महाराष्ट्र की राजनीति में भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सियासी मात देकर अपना सिक्का जमाया। अब चर्चा इस बात की है कि क्या चाचा की पार्टी के नेता भतीजे अजीत पवार के साथ आ सकते हैं। इस चर्चा को हवा क्यों और कैसे मिली है, उसे जानने से पहले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखिए। अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली है, जबकि शरद पवार की एनसीपी महज 10 सीटों पर सिमट गई है। जबकि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को सिर्फ एक सीट मिली थी, वहीं चाचा शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद चुनाव जीते थे। अब अजीत पवार की ताकत बढ़ी है तो माना जा रहा है कि उनके चाचा शरद पवार के सांसद और विधायक पर उनकी नजर है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी रणनीति के तहत अजीत पवार का हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली दौरा हुआ है। असल में अजीत पवार राज्य और केंद्र सरकार में अपनी पार्टी के लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं। शिवसेना के बराबर केंद्र और राज्य में मंत्री का पद चाहते हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की शर्त ये है कि इसके लिए उन्हें लोकसभा में अपना नंबर बढ़ाना होगा, और ये तभी संभव है जब चाचा के सांसद उनके साथ आए। एबीपी न्यूज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि शरद पवार गुट के सांसद और विधायक अगर अजीत पवार के साथ चले जाते हैं तो केंद्र में प्रफुल्ल पटेल को मौका मिल सकता है। इसके साथ ये भी खबर है कि अजीत पवार की पार्टी कुछ दिनों से शरद पवार गुट के सांसदों और विधायकों के संपर्क में है, और इसकी एक तस्वीर कल ही सामने आई है जब भिवंडी से शरद पवार की पार्टी के सांसद सुरेश महात्रे मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। जैसे ही महात्रे के फडणवीस के घर जाने की खबर वायरल हुई, चर्चा होने लगी कि शरद पवार की पार्टी के कई और सांसद टूट सकते हैं। खबर है कि एनसीपी के कुछ पूर्व विधायकों ने अजीत पवार से मुलाकात की है। अगर शरद पवार की एनसीपी के सांसद अजीत पवार के साथ आते हैं, लोकसभा में एनसीपी का नंबर शिंदे की शिवसेना से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में अजीत पवार मुंबई से लेकर दिल्ली तक बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.